हेलो एंड वेलकम टू मम्मी का मैजिक। वेल यूजुअली बच्चों को खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा तो चाहिए ही होता है, तो हमेशा उन्हें चॉकलेट देने से अच्छा क्यों ना कुछ ऐसा मजेदार डिजर्ट दें जो बनाने में भी आसान हो और हेल्दी भी हो। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ही लवली लवली रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक गैस पे तवा रखिए और फिर कुछ ब्रेड स्लाइसेस लीजिए और उसमें दोनों तरफ अच्छे से बटर लगाइए। जब तक तवा गर्म होता है आप इन स्लाइसेस पर बटर लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये रेसिपी तब काम आती है जब मन करे कुछ मीठा खाने का और जब फ्रिज खोलो तो सामने मिले सिर्फ ब्रेड और दूध। वैसे तो काफी चीजें बन सकती हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट। ओके, इसी तरह आप सारे ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगा लीजिए। तवे पे जब हम सेकेंगे इसका कलर अच्छा सा सुनहरी कलर आ जाएगा एंड हलवा और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। यू नो, बटर से लोग दूर भागते हैं लेकिन थोड़ा सा फैट जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। देखा कलर कितना प्यारा आया है। इसी तरह सारे ब्रेड स्लाइसेस को आप फ्लिप कर दीजिए ताकि वो दूसरे साइड से भी कलर आ जाए और पक भी जाए। अब इसी तरह मैं और स्लाइसेस में बटर लगा के गरम कर लेती हूँ, पर पहले इन्हें आप एक बेकिंग डिश लीजिए और उसमें ब्रेड स्लाइसेस को एक के ऊपर एक इस तरह से लगा दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़े से और ब्रेड स्लाइसेस डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। मैंने पहले से ही ब्रेड स्लाइसेस रेडी रखे हैं तो अब मैं उन्हें यूज कर लूंगी। ओके, आप पूरे डिश को इस तरह से भर लीजिए। अगर आप इस डिश को और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज होल व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड और सेवन ग्रेन ब्रेड। अब बनाते हैं शुगर सिरप। आप एक बोल में एक कप चीनी लीजिए और डेढ़ कप पानी। अब इसे अच्छे से घोल लीजिए। अब जब चीनी अच्छे से घुल जाए इसे हम एक पैन में डाल के 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। अब जब तक ये पानी उबलता है चलिए दूध उबाल लें। एक और पैन लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए दूध। इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे और क्वांटिटी आप उतनी लीजिए जिससे पूरा जो ब्रेड है वो अच्छे से कवर हो जाए, सोक हो जाए। ओके, अब इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए मैं साइड में रख देती हूँ और तब तक चलिए करते हैं कुछ और मैजिक। आप लीजिए एक छोटा सा सॉस पैन, फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और इसमें हम फ्राई करेंगे थोड़े से काजू। अब बच्चे कभी कभी काफी फसी हो सकते हैं खाने के मामले में, कम से कम मेरा बेटा अगस्त्या तो बहुत फसी है। कोई भी चीज अगर उसे चबानी पड़े तो बस नाक से कोड़ लेता है, इसलिए जब भी मैं काजू या कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज करती हूँ उसे क्रश करके उसमें इस तरह से हाइड एंड सीक की तरह उसे मिला देती हूँ कि उसे पता भी ना चले और न्यूट्रिशियस फूड उसके अंदर भी चले जाए। ओके, क्रश करने के लिए मैं यूज करूंगी एक बेलन। ओके, इसे आप बेलन की हेल्प से क्रश कर लीजिए और अगर आपका बच्चा बड़ा है और ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करता है आप उसे होल भी डाल सकते हैं। अब घी गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं हमारे क्रश किए हुए काजू। इसे हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। दूध भी उबल गया है, मैं उसे थोड़ा सा ज्यादा उबाल रही हूँ ताकि वो थोड़ा और ब्राउन हो जाए, थोड़ा और थिक हो जाए और उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ओके, कैश्यू ब्राउन हो गए हैं, दूध उबल गया है, नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर आवर फाइनल रेसिपी। ओके, अब आप अपना जो बेकिंग डिश है जिसमें हमने ब्रेड स्लाइसेस डाले हैं उसे सामने रखिए।
देखिए ये चाशनी को मैंने पहले से ही साइड में करके रखा हुआ है, यानी कितना अच्छा थिक हो गया है। अब आप इसे धीरे धीरे इन ब्रेड स्लाइसेस पे डाल दीजिए। इनफैक्ट आपको एक एक स्लाइसेस उठा के डालना होगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये चाशनी पूरी तरह से हर एक स्लाइस में अच्छे से सोख हो जाए। तो आप एक एक स्लाइस उठाइए और उसमें पूरी तरह से डाल दीजिए। Okay, one last and final touch, and that's it. Okay, अब इसमें हम डालेंगे दूध, और दूध पे अगर मलाई लग गई है तो और भी अच्छी बात है। The creamier, the better. जो बच्चे दूध पसंद नहीं करते ना, उनको दूध पिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बस अब इसमें दूध पूरा अच्छे तरह से सोख हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि ज्यादा दूध भी नहीं डालिए, क्योंकि हमें गीला हलवा नहीं चाहिए, हमें ड्राई हलवा चाहिए। अब इसमें आप डाल दीजिए रोस्टेड कैशियस, इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। इट स्मेल्स लवली। और जो बचा हुआ घी है वो इसके ऊपर पोर कर दीजिए। इसमें थोड़े से किशमिश यानी रेजिन्स हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर द फ्लेवर, फॉर द खुशबू, हम डालेंगे चुटकी भर इलायची पाउडर। एंड नाउ थोड़ा कलर ऐड करने के लिए लेट्स पुट सम टूटी फ्रूटी। एंड एज यू नो, बच्चों को कलर्स तो बहुत पसंद है। तैयार है हमारा झटपट ब्रेड हलवा। चलिए इसका एक क्विक रिकैप देख ले। ब्रेड हलवा बनाने के लिए 6 से 8 ब्रेड स्लाइसेस पर मक्खन लगाकर उन्हें तवे पर दोनों तरफ से सेक ले। चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालकर चीनी घुलने तक पैन में गर्म कर लें। फिर 2 कप दूध उबाल लें और 8 से 10 काजू के पीसेस क्रश करके फ्राई कर लें। अब सेके हुए ब्रेड स्लाइसेस को सर्विंग बोल में रखकर ऊपर से तैयार चाशनी, दूध, फ्राइड काजू, किशमिश और इलायची पाउडर डाल दें और टूटी फ्रूटी से डेकोरेट करके सर्व करें।